स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी आज भी सैनिटरी पैड के बारे में समाज में लोग खुलकर बात नहीं करते। इसके उपयोग न करने से होने वाली कई गंभीर बीमारियां मौत तक का कारण बन जाती हैं। देश में 88% महिलाएं सैनिटरी पैड यूज नहीं करती। गरीब बहन बेटियों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था के प्रदेश अध्यक्ष दिनकर तिवारी ने संजीवनी बाल आश्रम में सैनिटरी पैड के 100 पैकेट दान किए और उन्होंने जानकारी दी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी निःशुल्क सैनिटरी पैड दान किए जाएंगे। संजीवनी बाल आश्रम की संचालिका प्रतिभा अर्जरिया ने दिनकर तिवारी जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज के लिए यह एक सराहनीय कदम है जिसके बारे में लोग खुलकर चर्चा भी नहीं करते। आश्रम में निवास कर रहे बच्चियों को प्रतिभा ने सैनिटरी पैड के विषय में जानकारी दी और इसके इस्तेमाल न करने से होने वाली गंभीर बीमारियों में भी जानकारी दी। नरियावली से संजय तिवारी की रिपोर्ट।